गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपकी सांस में बदबू है तो वास्तव में उसको रोकने के लिए आप घर में क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द होम रेमेडीज विच यू कैन ट्राई एट होम एज फार एज द हेलिटोसिस इज कंसर्न। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। अगर हम ध्यान से देखें कि जो हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ है, इसके बारे में बड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो ब्रेथ है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, न्यूट्रल होती है, बट वो कन्विंस होते हैं कि उनकी सांस में तो बदबू है। बट देर आर पीपल कि जिनकी सांस में इतनी बदबू होती है जिसे आप टेरिबल कह सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी सांस में बदबू है। Because it is very hard actually to smell your own breath. आप अपनी सांस को इतनी आसानी से सूंघ नहीं सकते एंड उसको जज करना तो इतना आसान फिर भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी सांस में बदबू है, the best is that ask someone to give you a honest opinion कि आपकी सांस में बदबू है या आपकी सांस में बदबू नहीं है। ये जो सांस में बदबू अगर आपको जज कराना है किसी से, तो the best time of the day is the middle time of the day, इसका मतलब दोपहर के समय उसे पूछिए कि मेरी सांस में बदबू है या मेरी सांस में बदबू नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांस में बदबू है, अगर आपको ये सस्पिशन कंफर्म भी हो जाता है, आपको लोग बोलते हैं कि आपकी सांस में बदबू है, तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको होम रेमेडीज कुछ ट्राई करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें जो सांस में बदबू आती है वो सबसे ज्यादा ओरल कैविटी से आती है, क्योंकि ओरल कैविटी में ही सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसके कुछ बिट्स आपके दांतों के बीच में मसूड़ों के पास में चिपक जाते हैं। ये जो चिपका हुआ एरिया है, इस पर बैक्टीरिया जब काम करते हैं तो इनको सड़ाते हैं, इनको वास्तव में डीके करते हैं, और जब ये डीके करते हैं कुछ फाउल स्मेलिंग इसमें से मटेरियल रिलीज होते हैं जिसके चलते बदबू आती है। ये जो फाउल स्मेलिंग जो आती हैं चीजें, वास्तव में ये सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिसके चलते इतनी बदबू आती है। जो पुअर डेंटल हाइजीन है इसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होती है, इन द सेंस कि अगर आप ब्रश प्रॉपर नहीं करते, अगर आपको प्लेक फॉर्मेशन हो गया, आपकी अगर ओरल कैविटी के अंदर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गई, आपके गम्स में कोई डैमेज हो गया एंड पेरी ओरिडोंटल आपको डिजीज डेवलप हो गई, तो कैविटीज डेवलप हो जाएंगी और ये सब मिला के वास्तव में आपको सांस में बदबू लेके चलेंगे। दिस इज ट्रू। देयर आर सर्टेन आइटम्स इन द फूड ऑल्सो विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम। साइंस ऐसा मानती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आप प्याज खाते हैं, आप लहसुन खाते हैं, आप कॉफी पीते हैं, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ आपकी सांस में बदबू लेके चलती हैं। वास्तव में ये जो सब चीजें हैं, इनमें कुछ ऑयल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं और आपकी सांस में से बाहर निकलते हैं, एंड जो सांस में बाहर निकलते हैं ये वास्तव में सांस में बदबू देते हैं। जहां तक सांस में बदबू का सवाल है, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा, 90% टाइम्स ये वास्तव में आपकी ओरल कैविटी से आती है, मुंह के अंदर ही से आती, चाहे वो मुंह में से आए, दांतों में से आए, आपके गम्स में से आए, बट कम फ्रॉम दी ओरल कैविटी। बट 10% जो सांस की बदबू है वो मुंह से नहीं आती है, ये वास्तव में एसिड रिफ्लक्स के चलते आ सकती है, ये आपकी किडनी की प्रॉब्लम के चलते आ सकती है, ये वास्तव में अगर आपको कोई लिवर डिजीज है क्रॉनिक, जैसे लिवर सिरोसिस है, उसके चलते आ सकती है। अगर आपके डायबिटीज मिलाइटिस अनकंट्रोल्ड है, उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसके चलते आ सकती है। इन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने कोई न्यू डाइट चालू की है, पर्टिकुलरली कीटो डाइट, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कीटोन्स के चलते आपकी सांस जो है उसमें बदबू आने लगे। अगर आपकी सांस में बदबू है तो आपको कुछ होम रेमेडीज ट्राई करने की जरूरत है। नाउ सबसे पहले देखिए कि आपको डेंटल हाइजीन को इंप्रूव करने की जरूरत है, इन द सेंस कि जो पुअर डेंटल हाइजीन है इज द मोस्ट कॉमन काज। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी डेंटल हाइजीन पुअर है तो आपको प्लेक फॉर्मेशन होंगे, आपको प्लेक फॉर्मेशन होंगे तो आपके मुंह से बदबू आएगी। जो साइंस ऐसा मानती है कि वो टूथपेस्ट जिनमें फ्लोराइड होता है उन्हें आपको यूज करना चाहिए। साइंटिफिकली आपको 2 मिनट कम से कम जो टूथपेस्ट है या ब्रश है उसे करने की जरूरत है, इन ट्वाइस अ डे। दैट मींस फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट 2 मिनट्स 2 times a day, दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड विच यू शुड फॉलो। साइंस ऐसा भी मानती है कि दिन में एक बार आपको दांतों को फ्लॉस करना चाहिए, इन द सेंस कि दांतों के बीच का जो एरिया है उसे आपको क्लीन करना चाहिए।
नाउ नेक्स्ट आइटम बेसिकली इज द पार्सले, जो हम बहुत सारा यूज करते हैं धनिया के नाम से। अगर आप पार्सले यूज करते हैं तो वास्तव में आपके जो मुंह की बदबू है इससे छुटकारा पाया जा सकता है। साइंस ऐसा मानती है कि जो पार्सले है उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसका जो कंटेंट है वास्तव में एक डिओडोराइजिंग इफेक्ट लेके चलता है, इन बदबू को वास्तव में न्यूट्रलाइज करता है। साइंस ऐसा मानती है कि पार्सले आपके जो सल्फर प्रोड्यूसिंग जो एक स्मेल है उसको इफेक्टिवली कम्बैट कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। तो खाना खाने के बाद वास्तव में आपको थोड़ी सी धनिया अगर आप चबाते हैं तो आपके मुंह की बदबू इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाती है। सेकंड वन इज द पाइन एप्पल जूस। साइंस ऐसा मानती है कि यह पॉसिबली क्विकेस्ट इन द मोस्ट इफेक्टिव वे है टू कम्बैट द बैड ब्रेथ। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप इसके यूटिलाइज करते हैं तो जो सांस में बदबू है वो बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल होती है। आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, आपको पानी एडिक्वेट ऑप्टिमम अमाउंट में पीना चाहिए, बिकॉज मुंह की जो ड्राइनेस है इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन फॉर बैड ब्रेथ या सांस की बदबू के लिए। अगर हमारा जो सिलाइवा है जो मुंह में बनता है या जिसे आप लार समझते हैं, जो लार की ग्रंथियों से बनता है, यह वास्तव में मुंह को मॉइस्ट रखता है, और मुंह को मॉइस्ट अगर रखेगा तो सांस में बदबू आने की संभावना हमेशा कम होती है। अगर आपके मुंह में ड्राइनेस है तो वास्तव में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है। इसीलिए जब आप रात में सोते हैं तो आपके ओरल कैविटी में ड्राइनेस होती है, तो जो बदबू है वो सबसे ज्यादा सवेरे आपको महसूस होती है। तो अगर आप हाइड्रेटेड रहें, पानी ठीक मात्रा में पिए तो आपको ड्राइनेस कम होगी, आपको ड्राइनेस कम होगी तो सांस में बदबू आने की संभावना कम होगी। तो एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन 24 आवर्स आपको कंज्यूम करना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप मिल्क कंज्यूम करते हैं तो यह भी आपको सांस की बदबू से लड़ने में मदद करता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप दूध पीते हैं तो जो गार्लिक से आने वाली गार्लिक की ब्रेथ है या गार्लिक की स्मेल है, मिल्क संभव इसको साइंटिफिकली कम्बैक्ट करने की ताकत रखता है। ऐसे ही जो आप योगर्ट यूज करते हैं या दही यूज करते हैं, जो दही है वास्तव में उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ये जो हेल्दी बैक्टीरिया है ये वास्तव में जो हमारी बॉडी है उसमें जो अनवांटेड अनहेल्दी बैक्टीरिया है उनसे लड़ने में हमें मदद करते हैं। रिसर्च ने ऐसा इंडिकेट किया कि अगर आप योगर्ट रेगुलरली यूज करते हैं तो वास्तव में ये आपकी सांस में जो बदबू है उसको रिड्यूस करके चलता है। साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा माना गया कि अगर योगर्ट आप रेगुलरली 6 वीक्स तक कंज्यूम करते हैं तो अगर ओरल कैविटी से आपकी सांस में बदबू आ रही है तो वास्तव में उसके खत्म होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि हमारे घरों में एक चीज यूज होती है जिसे कहते हैं सौंफ, दिस इज फेनल कहते हैं। जो सौंफ है वास्तव में सेंचुरीज से यूज की जाती रही है, इसे मुखवास के नाम से भी घर में जाना जाता है। जो सौंफ है वास्तव में इसमें कुछ एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ये जो एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल्स होते हैं सौंफ में, ये सांस में एक फ्रेश सेंट लेके चलते हैं एंड आपकी जो सांस में बदबू है उसको ये किल कर देते हैं। ऐसे ही जिंक साल्ट को आप ध्यान से देखिए कि जो भी जिंक साल्ट जिस भी माउथ वॉश में होगा, ये च्युइंगम में होगा, अगर आप इसे यूज करते हैं तो सांस की जो बदबू है वो काफी नीचे आ जाती है। रिसर्च ने ऐसा माना कि अगर आप जिंक इस तरह यूटिलाइज करते हैं तो जो सल्फरस कंपाउंड्स होते हैं उनके वास्तव में जो इंटेंसिटी, उनकी डेंसिटी एंड उनकी अमाउंट वो हमेशा कम हो जाती है। ऐसे ही जितने में माउथ वॉश होते हैं जिनमें जिंक इफेक्टिवली अमाउंट में होता है वो काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। ऐसे ही ग्रीन टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो ग्रीन टी है ये डिसइंफेक्टेंट है, ये डिओडोराइजिंग एक प्रॉपर्टी लेके चलती है तो बदबू को अलग करती है। अगर मिंट इसके साथ में आप यूज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि मिंट एंड ग्रीन टी दोनों मिला के बहुत सिमिलर इफेक्ट आपको देते हैं और आपकी सांस की बदबू को खत्म करते हैं। तो अगर आप ग्रीन मिंट टी इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलरली तो जो सांस में बदबू या हेलिटोसिस है इसे लड़ने में आपको काफी मदद करते हैं। द नेक्स्ट वन बेसिकली इज द रॉ एप्पल। साइंस ऐसा मानती है कि अगर रॉ एप्पल खाते हैं तो अगर आपने पहले गार्लिक खाया हुआ है और अगर आप रॉ एप्पल खाते हैं तो जो गार्लिक की स्मेल है वास्तव में खत्म हो जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि रॉ एप्पल में कुछ नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो वास्तव में इस तरह की जो फाउल स्मेलिंग होती है जो पर्टिकुलरली गार्लिक से आती है उसको न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखते हैं। ये जो न्यूट्रलाइज करने की जो ताकत रखते हैं ये वास्तव में ब्लड स्ट्रीम में करते हैं रादर देन माउथ। तो इसलिए अगर आपने लहसुन खाया है, आपको लगता है कि मुंह से बदबू आएगी, तो आप आधा सेव खाइए। अगर आप रॉ एप्पल लेंगे तो जो
लहसुन से आने वाली जो बैड ब्रेथ है वो वास्तव में खत्म हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज द विनेगर। विनेगर हमारे जो किचन है, हमारा घर है, उसमें जरूर मौजूद होता है। जो विनेगर है दोनों हो सकते हैं, आपके पास में एसिड साइडर विनेगर हो सकता है, आपके पास में व्हाइट विनेगर हो सकता है। जो विनेगर होता है इसमें वास्तव में एसिटिक एसिड होता है। जो एसिटिक एसिड होता है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को नीचे करता है, इन बैक्टीरिया को किल करने की ताकत रखता है। साइंस ऐसा मानती है कि आपको 2 टेबल स्पून ऑफ एसिड साइडर विनेगर 1 कप वाटर में डालना चाहिए और वास्तव में इससे आपको 30 सेकंड के लिए गार्गल करना चाहिए। अगर आप इतना काम करते हैं जो आपके मुंह से बदबू आ रही है इसको खत्म होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। नाउ ऐसे ही जो एक होम मेड रेमेडी है या माउथ वॉश जो आप घर में बना सकते हैं इस थ्रू द बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है बेसिकली इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। साइंस ऐसा मानती है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यह भी वास्तव में बैक्टीरिया को किल करने की ताकत रखता है। साइंटिफिक स्टडीज ने माना कि वो टूथपेस्ट जिनमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ होता है वास्तव में बैड ब्रेथ को रिड्यूस करने में वो आपको काफी हेल्प करते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि आपको 2 चम्मच बेकिंग सोडा 1 कप हॉट वाटर या वार्म वाटर में लेना चाहिए और उसका गार्गल करना चाहिए। उससे वास्तव में आपकी जो बैड ब्रेथ है, सांस में बदबू है या हेलिटोसिस है उसको खत्म करने में मदद मिलती है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि जितनी भी मुंह से बदबू आती है उसका ओरिजिन 90% टाइम्स ओरल कैविटी में होता है, चाहे वो मसूड़े से आए, चाहे वो दांत से आए, चाहे ओरल कैविटी से आए, बट दिस इज द एरिया जहां से ये बदबू आती है। बट इन सम केसेस कि जो बैड ब्रेथ होती है वास्तव में हमारी बॉडी की दूसरी डिजीजेस से आती है, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सांस की बीमारी हो, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, ये वास्तव में जिम्मेदार होते हैं इस तरह की सांस में बदबू लाने के लिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने सभी होम रेमेडीज ट्राई की और इनको ट्राई करने के बावजूद भी आपकी सांस की बदबू खत्म नहीं हुई तो वास्तव में आपको अपने डेंटिस्ट को, आपने अपने फैमिली फिजिशियन को इनको कंसल्ट करने की जरूरत है और ये क्लियर कराने की जरूरत है कि ये जो आपको सांस में बदबू है ये वास्तव में आपको जो ओरल कैविटी है इससे आ रही है या वास्तव में ये किसी सिस्टमिक डिजीज का संकेत है। क्योंकि अगर ये सिस्टमिक डिजीज का संकेत है तो ये खतरे की घंटी है। अगर ऐसा है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए सो दैट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड एंड उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि उसको ट्रीट किया जाए, तभी आपकी सांस की बदबू खत्म होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो होम रेमेडीज फॉर द हेलिटोसिस या सांस में बदबू उसको ठीक करने में आपको हेल्प करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।